एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सभंगुर प्रसाद जाप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी भी सच। प्रभु परमेश्वर दीन बंधु दीना नाथ अखंड ज्योति स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा देव सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र पावन हजूरी विच सत्कार योग बाबा राम सिंह जी तिना दी सिमरती विच जुड़ बैठी सत संगत फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुणे आप बचन सुरवन कर रहे सौ भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी तिना दी पावन रसना तो संसार विच मनुख दी होंद जिहड़ी है शरीरक तौर ते नाशमान है। शरीरक तौर पर हर व्यक्ति जो आया है उसने जाना है, जो उपजो सो बिनुस है, पर आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। भगत रविदास की गल कहन लगे, एक दिन निश्चित है हर प्राणी दा इस संसार तो जान लई, और वो जदों दिन आ गया उस दिन जाना है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। संसार विच ते कोई स्थिर रहा नहीं। बाबे फरीद ने कहा, शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, जिस आश्रम बैसे केते बैस गया। संसार विच कोई स्थिर रहा नहीं। इस देह नु तू स्थिर मनी बैठा है, अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरो होए है खे। क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे। जीवन दे मंतव दी गल कीती सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने, इस देही नु तू स्थिर मनी बैठा है, ए देह ते नाशमान है। भगवान कृष्ण ने कहा, अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीर ना। शरीर नाशमान है, ये शरीर दे नाल जद तक आत्मा दा संबंध बनिया होया है ये चल रहा है, फिर रहा है, गल्ला बातां कर रहा है, वेख रहा है, सुन रहा है। जिस वेले इस शरीर दे नाल आत्मा दा संबंध टूट गया, उस वेले ए शरीर माटी माटी हुई एक, रोवन हरे की कौन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत भया। ऐसी अवस्था दे संबंध विच भगत कबीर जी एक गल कहन लगे, बाबा बोलते ते कहां गए, ओ जीवात्मा कथे चली गई। जीव आत्मा का संबंध विच्छेद हो गया इस शरीर नाल। पांच तत्व को तन रचियो जान हो चतुर सुजान, पांच तत्व सन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर दी संरचना जिहड़ी है उह पंजां तत्तां करके होई, और पंजां तत्तां दे नाल आत्मा दा मिलाप जदों हो गया ते फिर इह शरीर होंद विच आया। शरीर ते आत्मा दा संबंध जन्म तो लैके मौत पर्यंत है। सतगुरु दी बाणी विच एक संवाद आया, शरीर ते आत्मा दा संबंध है, विचार है। शरीर एक बार आत्मा नूं कहण लगा, तन कहिया तू वस मैं नाले, प्रिय सुखवासी बाल गोपाले। शरीर तन आखदे हन शरीर नूं, शरीर ने आत्मा दे सामने एक प्रपोजल दित्ती, एक प्रस्ताव रखिया। तन कहिया तू वस मैं नाले, हे आत्मा
तू सदा मेरे नाल रहण दा एक संकल्प कर ला बस, मैनू एक कमिटमेंट दे दे, मैनू एक वादा दे दे कि मैं तेरे नाल सदा रहांगी। जे तू मेरे नाल सदा रही तो फिर मेरी होंद सदा बनी रहेगी। तन कया तू वस में नाले प्रिय सुखवासी बाल गोपाले। बाल अवस्था तो सदा संबंध बने ना। शरीर कह लगा जे तू मेरा किते साथ ना ना छदे। तन कया तू वस में नाले प्रिय सुखवासी बाल गोपाले। तुझे बिना हो किते ना लेखे बचन दे छोड़ ना जासा है। तेरे बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। मेरी एग्जिस्टेंस तद तक है जद तक तू मेरे नाल है। ते तू मैनू एक कमिटमेंट दे बचन दे छोड़ ना जासा है। तू मैनू छड़ के नहीं जाएंगी। आत्मा कह लगी है किवें हो सकता है। फिर कहया हाँ हुक्मी बंदा। हुण आत्मा असीं जदों आत्मा दे संबंध विच गल करदे आ ते स्त्री लिंग दे विच गल करदे आ, पर आत्मा है पुलिंग। उसने कहा कि मैं ते उस परिपूर्ण परमात्मा दे हुक्म दे विच हां। फिर कहया हाँ हुक्मी बंदा। किसने हुक्म दे विच? एक बचन आया ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवें तिव होवना, जे जे रखे आप तह जाए खड़ोवना। उस परमात्मा दे हुक्म दे विच इस सृष्टि दा सारा स्वरूप चल रहा है। गुरु नानक देव महाराज ने कहा हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना को। नानक हुक्मे जे बुझै तहो मैं कह ना को। मनुख आखदा है मैं करता हाँ मैं ये काम कीता। जे मनुख ये समझ ले कि जो कुछ कर रहा है वह परमेश्वर कर रहा है, उसे दे हुक्म दे विच इस सृष्टि का पसारा होया है। पूरी पौड़ी है हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई। उस दे हुक्म नु कहा नहीं जा सकता। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्म दे विच जीवां नु वडियाई मिली है। हुक्म दे विच जीवां दी संसार दे विच उत्पत्ति है, संसार दे विच आना संसार तो चले जाना। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। कोई वड्डा है कोई छोटा है संसार दे विच सारे ही परमेश्वर दी बनाई सृष्टि विच किसी नूं बहुत मान सम्मान हासिल है। कोई सामान्य रूप दे विच जीवन यापन कर रहा है। हुक्म दे विच कोई दुखी है कोई सुखी है। चक्रवत परिवर्तन ते सुखानी दुखानी च किसने जीवन विच सारा जीवन दुख ही दुख है, पर कोई सुखी है। परमेश्वर के हुक्म दे विच ये सब कुछ है। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई। गल है सारे संसार दे जीव उस परमेश्वर दे हुक्म दे विच आन। हुक्म तो बाहर ते कुछ भी नहीं। बस इस गल नूं समझ लई। जपजी साहब दे विच ही एक पौड़ी दे विच गुरु नानक देव महाराज ने एक होर गल कही। इसे दे नाल रलदी मिलदी कि मनुख दे अपने हाथ विच कुछ है। कहन लगे नहीं। आखण जोर चुपे नह जोर। मनुख कुछ अपनी मर्जी अनुसार कह सके जां अपनी मर्जी अनुसार चुप ही कर जाए। दो ही ते गल्लां कुछ कहना ते कहना अपने हाथ विच नहीं। कई बार मुंहों कोई ऐसा वचन निकल जाता है और वह वचन ही कलह कलेश का कारण बन जाता है। बाद विच जीव स्पष्टीकरण देता फिरता है नहीं मेरा आशा ये नहीं सी, मेरा ये भाव नहीं सी, मैं ये नहीं सा कहना चाहता, शायद मेरे मुख तो ये वचन निकल गया या तुहाडे समझण दे विच कोई दिक्कत हो गई, पर वचन तो निकल गया क्योंकि अपने हाथ विच नहीं है। आखण जोर चुपे नह जोर। चुप करना भी अपने हाथ विच नहीं। एक चुप सौ सुख सियाणे ने गल कही। और किते सभा दे विच जान लगिया घरों विचार करके गया सी कि मैं ते बोलांगा ही नहीं मैं कोई गल नहीं करांगा, पर उथे कोई ना कोई ऐसी अवस्था बनी कुछ ना कुछ बोलिया गया। आखण जोर चुपे नह जोर। जोर न मंगण देण न जोर। मंगना अपने हाथ विच नहीं।
कुंभकर्ण ने तपस्या की सी ते सोच ए मन विच रखी सी कि जो परमेश्वर प्रसन्न होणगे ते कहणगे वरम ब्रोही वर मंग उस वेले मैं वर ए मंगांगा परमेश्वर कृपा करो मैं छे महीने जाग के भगती करा ते एक दिन सौ जावा पर जो मंगण का वेला आया अपने हाथ विच नहीं है जोर न मंगण जो मंगण का वेला आया ते ठीक इसके उलट मंग बैठा कहन लगा छे महीने समा ते एक दिन जाके भगती करा आखण जोर तो पहने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मनो परमेश्वर ने बहुत कुछ दिता है सारे संसार नू वो देन वाला है असी सारे भिखारी हाँ हम भिख भिखारी तेरे तू निज पत है दाता पर मंगना की है हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो लंगराता है परमेश्वर कृपा करो नाम दी दात देओ विसरना ही दातार अपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए उस पुरुष की याद में बैठे हैं बड़ा भला पुरख सी परमेश्वर ने उसनु बड़ी वड्याई दीती कि ऐसा वेला आया कि सारे शहर दे विच बाबा राम सिंह दे नाम दी धूम सी हर एक मन विच एक ऐसा विचार हुंदा सी जे काम करवाना है तो बाबे राम सिंह को करवाना है सन 68 दे विच डेरा प्रीतम भवन उदासी आश्रम दी इमारत दा काम संपूर्ण होया और वो काम रिकॉर्ड टाइम दे विच होया उस वक्त टेक्नोलॉजी का युग नहीं सी साधन बहुत नहीं सन हाथी काम करने वाला काम ज्यादा सी मैनुअल ज्यादा काम सी मजदूरां मिस्त्रियों की ज्यादा जरूरत सी ते उस वेले लगभग 1.5 साल दे विच जे ओ इमारत बन सकी ते उस दे विच परम पूज मेरे गुरुदेव स्वामी संत दास महाराज दे नाल मैनूं इस गल कहण विच कोई संकोच नहीं कि उस दे विच सब तो वड्डा सहयोग सी बाबा राम सिंह दा और बाबा राम सिंह नूं फिर ऐसा मान प्राप्त होया जिसने भी काम करवाना उसने मन की यह इच्छा कि बाबा जी मेरे घर आप आके काम करन और बाबा राम सिंह ने जिंदगी विच हुणे मैं सवेरे विचार कर रहा सा गुरमुख प्यारे ज्ञानी दिलबाग सिंह जी दे नाल कि उसने मन विच कोई लोभ नहीं सी कोई लालच नहीं सी और सवेरे सवेरे मजदूर मिस्त्री एक अड्डे ते आके खड़े हो जांदे और उस अड्डे दा ही नाम पै गया बाबा राम सिंह दा अड्डा उत्थे जाके बाबा राम सिंह ने अपने समय ते आना तू इधर जाना तू इधर जाना तू इस पासे जाना तू इधर जाना सब नु काम लाना अज दे युग दी आपां समस्या वेखीए ते केड़ी समस्या है सब तो वड्डी समस्या है रोजगार दी और बाबा राम सिंह बहुत सारे लोगों का एक वेले रोजगार का साधन बने और उन्होंने रोजगार दे लई उन्होंने अपना कोई लालच उस दे विच नहीं रखिया किसी को कोई कमीशन नहीं ली किसी की दिहाड़ी दे विच कोई हिस्सा नहीं लिया उन्होंने और जे किसी ने कहा कि साडे वाले पहले आ जाओ नहीं मेरे पास अजे समय नहीं मैनू 2 महीने लग जाएंगे 4 महीने लग जाएंगे और ऐसा एक समय आया लोग इंतजार करते सन ये परमेश्वर की दिती वड्याई है और मैं ये चिंतन कर रहा सा जे बाबा जी चाहते जे उन्हां दे कि पदार्थवाद वाल रुचि होंगी अज का युग पदार्थवाद का है जिमें किमें येन केन असी पैसा कमा लिए माटी का पुतला कैसे नचत है देखा देखा सुना बोला दौड़ो फिरत है दौड़ लगी हुई है धन कमाण लई बंदे दी दौड़ लग गई पर उह धन कमाण लई उन्होंने कोई ऐसा छल कोई कपट नहीं किया गुरु महाराज की हजूरी विच किसी बंदे की उस्तत करन लगे हाँ जरूर सोचना पड़ेगा कि इस दी गल मैं कर रहा हाँ ते कि ये सच है और ये सच गल है कि मेरे ते बचपन की अवस्था सी पर ये चीज उन्हां विच वेखी
परमेश्वर की बड़ी कृपा रही उन्होंने मन मेरे भूले कपट ना की जाए। गुरु महाराज का उपदेश है जीवन दे विच छल कपट तो रह जा, छड़ दे छल कपट नू, किसे दे नाल छल ना कर, कपट ना कर, मन विच निर्मलता नू धारण कर ले। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना पावा। परमेश्वर कहने लगे मैनू कपट नहीं चंगा लगता, तू निष्कपट हो जा, तेरे जीवन व्यवहार के सात्विकता हो। और बाबा राम सिंह के जीवन के व्यवहार के बड़ी सात्विकता सी, कोई लोभ नहीं सी, कोई लालच नहीं सी। सतगुरु की बड़ी कृपा रही और उन्होंने सेवा का समा सतगुरु ने दिता। गुरु स्थान की सेवा डेरा प्रीतम भवन उदासी आश्रम तो बाद जो ये स्थान भी होंद विच आया श्री गुरु सिंह सभा गुरुदेव नगर स्थान, इस स्थान पर भी उन्होंने अपनी सलाह मशवरा भी जिस रूप में उन्होंने पास जैसी सेवा हो सकी। तीन चार साल पहले स्थान दे अंतर्गत बने हाल दे आकार नू ऐसा महसूस करते हो कि छोटा है, इस नू दोनों साइडा ते खोल दिता जाए, दरवाजे खिड़कियां कट दिते गए, कोले उवें दे उवें लगे रह गए, पिले पिलर लगे रह गए। ते बाबा राम सिंह जी मेरे पास आए, उन्होंने सलाह दी, कहने लगे असीं कोले कट सकदे आं, असीं बीम पा सकदे आं। उन्हां दी ऐसी जुड़ाओ, ऐसा लगन स्थान दे प्रति। मैं कह नहीं बाबा जी, जो मूल रूप विच स्थान बनया हुआ है, जो महापुरखा ने बनाया, इसका मूल रूप ते यही रहेगा जिवें महापुरखा ने बनवाया। पर बाबा जी का ऐसा सद्भावना भरिया स्वरूप विचार कर रहे सा कि संसार तो जाना सब ने, शरीर ने आत्मा नु कहा कि तू मेरा साथ ना छड़ी। ते आत्मा कह लगी फिर कह हां हुक्मी बंदा, मैं ते उस परमेश्वर दे हुक्म दे विच रहण वाला। ओ भारो ठाकुर किसान न छंदा, ओ परमेश्वर बड़ा वड्डा अनोरणियान महतो महियान, सुन वड्डा खै सब कोए, वड़ी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा, वड्डा मेरा गोविंद अगम गोचर आग निरंजन निरंकार जियो। ओ भारो ठाकुर तिस्कान न छंदा, उसनू किसे दी परवाह नहीं संसार दे विच। आत्मा ने शरीर नू किया जिचर रखा तिचर तुम संग रहना, जद तक मैनू परमेश्वर ने हुक्म अपने हुक्म दे विच तेरे नाल रखिया तद तक मैं तेरे नाल रहांगी। जा सदे उठ सिधासा है, जिस वेले परमेश्वर का हुक्म आ गया उस वेले मैं तेरा साथ छड़ दिया, फिर मेरे वास तो बाहर दी गल है। कीता करना सर्ब रजाई किच कीचा है, जे कर सकी है। कह लगे मनुख दे अपने हाथ विच कुछ होवे ते जे कुछ कर सके तो फिर करे, मनुख ते जतन करता है। कीता करना सर्व रजाई किछ कीचे जे कर सकी है, अपना कीता किछु ना होवे, जो हर भावे त्यो रखिए, जिवें हरि परमेश्वर नु पांदा है होंदा ओही है जो परमेश्वर नु पांदा है। और जो परमेश्वर नु पांदा है उस नु सानू सारिआं नु मनना चाहिदा है। गुरु नानक देव महाराज कहण लगे जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। कीता करना सर्व रजाई किछ कीचे जे कर सकी है, अपना कीता किछु न होवे, जो हर भावे त्यों रखी है। मेरे हर जीओ सब को तेरा वास, हे परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ विच है। असा जोर नहीं जे किछ कर हम साके, ज्यों भावे ते मैं बखस। बाबा राम सिंह दी शख्सियत अध्यात्मक दृष्टि तो विचार करिए, धार्मिक दृष्टि तो विचार करिए, सचमुच बड़ी पवित्र आत्मा सी, बड़ी महान शख्सियत सी। और साडे पूज गुरुदेव स्वामी जी दे नाल उन्होंने बड़ा सहयोग किया,
और उस शख्सियत नूं मैनूं इस गल विच कहण विच कोई संकोच नहीं, अज दे इस समागम विच प्रणाम। जीवात्मा तो संसार विच विचरदे आ, भुल्लां हो जांदियां हन, भुल्लण अंदर सब को अपोल गुरु करता, टूअर इज ह्यूमन। मनुख ते भुल्लणहार है ही। सतगुरां ने इक गल कही, नर अचेत पाप ते डर रे, हे जीव कुछ पाप तेरे चित चेते भी नहीं हन, तेरे पासों हो रहे हन ऐसे पापा तो भी डर। मन विच भय रखना, गुरमुख हमेशा उस परिपूर्ण परमात्मा का भय मन विच सदा रखता है, पर भय केवल उस परमात्मा का रखना और उस दी आराधना करनी। फिर उस दी आराधना करदे करदे कैसी अवस्था विच पहुंच जाता है जीव, निर्भो जप सगल भाव मिटा, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटा। गुरु रामदास महाराज कहन लगे, जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका भाव सब गवासी। जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। कहने लगे मैं उन्हें तो बलिहार जाता हाँ। निका प्रति गुरु दरबार दी हाजी अमृत वेला, जिस वेले उन्होंने शरीर स्वस्थ सी तब तक सवेरे 5 बजे गुरु दरबार दी हाजरी। फिर शरीर अस्वस्थ हो जाते भी जिमें दिन विच समय मिलिया, कीर्तन कथा आशा दीवार दा कीर्तन हो रहा है, उस वेले गुरु दरबार दे विच हाजरी भरनी आ के। ऐसा उन्हां दा जीवन, परमेश्वर दे हुकम दे विच इस सृष्टि दा क्रम चल रहा है। असा जोर नहीं जे किछ कर हम साके, बस जीवात्मा दे संबंध विच अरदास, ज्यों भावै ते मैं बखस। उस विछड़ी आत्मा नूं सतगुरु अपने चरणां विच निवास बख्शन, तिना दे परिवार तिना दे बच्चे सार गुरमीत सिंह रणजीत सिंह मनजीत सिंह, सतगुरु इस बाणी नूं मनन दा बल बख्शन और ये परिवार सदा गुरु चरणा दे नाल जुड़िया रहे। सतगुरु सदा खुशियां खेड़े चढ़दी कला जीवन दे विच बख्शन। ये परिवार लई अरदास और इन्हां विचारां दे नाल ही विचारां दी समाप्ति करदे होए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।